गाइस आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सिवनी जा रहे हैं तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अभी रिसोर्ट में हूँ और रिसोर्ट का भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आके मैं बनाऊंगा। चलो गाइस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सुमो से ही जाएंगे वैसे, क्योंकि सेंट्रो छोटी पड़ती है इसलिए। और सुमो की डिक्की बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत सामान आ जाता है। सेंट्रो की तो डिक्की मात्र इतनी सी है, डिक्की यहाँ से लेके यहाँ तक है। दोनों गाड़ियों में गाइस एवरेज का भी काफ़ी अंतर आ जाता है। जो सेंट्रो है वो 19-20 का एवरेज देती होगी और जो विक्टा है वो 10-11-12, इससे ज़्यादा नहीं देती होगी, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी है, वो गाड़ी छोटी है। वैसे फिर भी डीजल का एवरेज अच्छा आता है पेट्रोल की उससे, पर फिर भी उसका 17-18-19 तो आता ही होगा क्योंकि छोटी गाड़ी है, और इसका 12-13 या 10 ऐसे एवरेज आता होगा। तो डीजल पेट्रोल फिर सस्ते हो गए हैं, अब बीच में काफ़ी महंगे हो गए थे। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं। वैसे बांधवगढ़ से सिवनी 237 किलोमीटर दूर है। अभी डीजल डलवा रहे हैं। ये फॉसिल्स नेशनल पार्क है, यहाँ पे करोड़ों साल पुराने डायनासोर के पेड़ वगैरह है, इतने साल पुराने डायनासोर के अंडे वगैरह हैं। ठीक है, इस लौटते वक्त अगर टाइम मिला तो जरूर जाएंगे। अभी तो जल्दी जाना है इसलिए जल्दी जा रहे हैं, वरना लौटते वक्त हम जरूर दिखाऊंगा मैं। पहुंच गए हैं। अब यहाँ से सिवनी 90 किलोमीटर दूर है, मतलब 1.5 घंटा लगेगा। बाकी गाइज ये है मंडला, ठीक है, ये भी काफी बड़ा शहर है, ठीक है। तो गाइज ये नर्मदा माता का पुल है, ठीक है, हर हर नर्मदे। तो गाइज ये एक ऐसी पवित्र ऐतिहासिक नदी है जिसकी परिक्रमा करी जा सकती है हिंदू धर्म में। गाइज अभी सिवनी आ गए हैं, सिवनी सिटी में, ठीक है। तो पूरे 2 घंटे लग गए गाइस। गाइस अभी पापा लेने गए हैं सिवनी में, कोई अड़कू हलवाई के पेड़े बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार पापा भोपाल भी लाए थे जब दादी पापा लोग गए थे, तो अभी पापा वही लेने गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दादी वगैरह भी भोपाल से आ रहे हैं और हम लोग बांधवगढ़ से आ रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी होटल पहुंच गए हैं, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, हम लोग 1 घंटा लेट है उनसे। लोग आग ताप रहे हैं। बाकी अभी तो गाड़ी में ब्लोवर चल रहा था इसलिए गर्मी का ठंड का अंदाजा नहीं हो रहा, पर बाहर जाके होगा। मैं ज्यादा गर्म नहीं पहना, पर अभी मैं जैकेट पहन लूंगा। ये हैं वो पेड़े, बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर आप भी आओ तो आप भी खा सकते हो। गाइस ये है अपनी होटल, ठीक है, होटल आनंद, अच्छी होटल है, पहले भी रुक चुके हैं पापा और दादी वगैरह। तो गाइस ये है रूम, यहाँ बेड लगे हैं, ठीक है। ये टीवी है और ये अलमीरा है, और वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, ठीक है, ये मैं हूँ। ये होटल बाहर से है, ठीक है, काफी बड़ी होटल है, हमें ग्राउंड फ्लोर मिला है।